हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने सिक्स पॉइंट कवर करने हमें सिक्स पॉइंट कवर करने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन, फंक्शन एनाटोमी ऑफ टेस्टिस, डायग्राम कवरिंग ऑफ टेस्टिस, पेरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस, पाथवे फॉर द पासेज ऑफ स्पर्म, इंट्रोडक्शन और डायग्राम हम पिछले वीडियो में देख लिया है। ये इंट्रोडक्शन, ठीक है, इतना, और ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आज हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, फंक्शन एनाटोमी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के क्या फंक्शन होते हैं उसकी एनाटोमी देखेंगे, टेस्टिस की एनाटोमी देखेंगे हम, इसका डायग्राम भी बनाएंगे टेस्टिस का। अभी हम थ्योरी देखेंगे बस। फंक्शन एनाटोमी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स का। सेकेंड पॉइंट क्या है? देयर आर टू टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं मेल में। इन ह्यूमन बींग्स बोथ द टेस्टिस आर ओवॉइड, मतलब जो टेस्टिस होते हैं वो अंडाकार होते हैं, ओवॉइड मतलब अंडाकार। देट आर लोकेटेड इन सक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम में। स्क्रोटम में हम देखते हैं ना डायग्राम में, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम। इसको क्या बोलते हैं? बेक लाइक स्ट्रक्चर ना, इसके अंदर प्रेजेंट है, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम, ठीक है। इच टेस्टिस वेट अबाउट 15 to 19 ग्राम एंड मेजर लेंथ अबाउट 5 into 3 cm। वजन कितना होता है? 15 से 19 ग्राम होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 into 3 cm। टेस्टिस इन मेड अप अबाउट 900 कोइल ट्यूबुल्स, नाउ अ 75 ट्यूबुल्स विच इज प्रोड्यूस स्पर्म। कहीं से बना होता है स्पर्म? 975 ट्यूबुल्स होती है, 900, ये जो है नी येलो दिख रही ना, ये 975 ट्यूबुल्स है, इससे टेस्टिस बना होता है, ठीक है, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कंटिन्यू एज द वास इफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आगे चल के वास इफरेंस बनाती है, वास इफरेंस बनाती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कंटिन्यू एज द वास इफरेंस, आगे चल के क्या बनाती है? वास इफरेंस, विच फॉर्म द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस आगे चल के एपिडाइडमिस बनाती है। इट इज कंटिन्यूस वास डिफरेंस। फिर आगे जाके ये एपिडाइडमिस से ये वास इफरेंस हो गया, और ये एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस आगे जाके वास डिफरेंस बनाती है, ठीक है, कंटिन्यूस अस वास डिफरेंस। फॉर्म एपिडाइडमिस इन स्क्रोटम। एपिडाइडमिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्क्रोटम से। ये देखिए, ये जो ये स्क्रोटम से स्टार्ट हो रहा है। वास डिफरेंस एक्सटेंड ऑन इन साइड अपवर्ड इन टू अबडोमिनल कैविटी। जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस, ये यहाँ पर अबडोमिनल आ जाता है, अबडोमन स्ट्रक्चर आ जाता है अबडोमिनल कैविटी में, इन साइड इधर जा रहा है। जो टर्मिनल पोर्शन है वास डिफरेंस का, इसको एम्पुला बोलते हैं। जो टर्मिनल पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस इज कॉल्ड एम्पुला। ये जो टर्मिनल पोर्शन है, ये एम्पुला, यहाँ पर टर्मिनल पोर्शन ये घूम रहा ना, या इसको बोलते हैं एम्पुला। वास डिफरेंस के टर्मिनल पोर्शन को एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस जॉइन डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। जो एम्पुला होता है और वास डिफरेंस, वो जॉइन करती है आगे जाके सेमिनल वेसिकल्स को, और सेम साइड में एजुकुलेटेड डक्ट भी होती है, ठीक है। देयर आर टू एजुकुलेटेड डक्ट ईच ऑफ विच रिसीव स्पर्म फॉर वास डिफरेंस। एजुकुलेटेड डक्ट क्या करती हैं? वास डिफरेंस से स्पर्म को रिसीव करती हैं, और सिक्रेशन सेमिनल वेसिकल्स इनसाइड, सेमिनल वेसिकल्स जो होती है वो सिक्रेट करती हैं। बट द एजुकुलेटेड डक्ट इनपुट इनटू ए सिंगल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से दोनों निकलती हैं, दो एजुकुलेटेड डक्ट यूरेथ्रा से निकलती है। एक्चुअली एजुकुलेटेड डक्ट ओपन इनटू प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में प्रोस्टेटिक पार्ट से एजुकुलेटेड डक्ट निकलती है दोनों। इसका हम फंक्शन एनाटोमी ऑफ टेस्टिस का डायग्राम भी देखेंगे। सारे पॉइंट, कितने पॉइंट है, सारे पॉइंट जो भी है ये हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये 14 पॉइंट है, ये 14 पॉइंट हम पूरे डायग्राम में क्लियर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।